मार दो। इधर मैं खड़ा लिए भाई, चार जूते है क्या? वहाँ बंदा बैठा था सब्जी चार दो भाई, एग्जैक्ट वैसे ही बैठे थे। मैंने उनको बोला भाई चार जूते है क्या स्टॉक? ठीक है यही है। मतलब सर मेरे को ट्राई करने तो उठा लो, ट्राई कर लो यहीं से। मतलब साइज वाइज तो बताओ, ऐसा थोड़ी होता है, अजीब बोल के मैंने बोला। तो सर आपको हार थोड़ी पहनाएंगे जूते पहनाने के लिए? बंदा जूता देख रहा है, कोई भी कस्टमर आएगा सीधा उठा के पहन लेगा क्या? असिस्ट करेगा ना? तो बोलता अजीब ही है, ऐसे अजीब ही है, आपको हार थोड़ी पहनाएंगे सर जूता पहनाने के लिए। भाई का ऐसा डायलॉग है, फूटे तो भाई फूटे। और एक खास तुम्हाला कर्ज, तुम्हाला भेटायला कर्ज करून आलो आमच्या माणसानं, तुम्ही एवढं प्रेम देताय मग आम्ही पण आलो प्रेम द्यायला। सर आम्ही पण काही वेळा जातो, तुम्ही डायरेक्ट माल घालायच्या माणसाला आम्ही पण कस्टमर हँडलिंग करतो, आम्ही बोलणं तेवढ्या त्यांनी मान्य केलं आमची चूक आहे। कसं चूक आहे? तुम्ही कसं बोलू शकता हार घालू का? तुम्ही शूज विकत ठेवले, आम्ही त्यांना नाही बोललो हार घालायला। मग तुम्ही बोललात आम्ही आहेत समोर, मी सुनीला सांगितलं दाखवणार का? तो जो तुम्हाला बोलतो घेतली म्हणून बोललंच नाही झालं तेवढं तिथपर्यंत। त्यांनी गाडी आली, ते सोडा गाडी बिडी तर सोडा, मुद्द्याचं बोला शूटचं काय झालं ते बोला, ते सोपे बोला। तुम्ही समोरच्या माणसाला ही ट्रीटमेंट देणार का? बूट मार तू हार घालून बूट घालू का? मी त्यांना नाही बोललो हार घालायला, मुंबई बोलाय, मुंबई बोलाय, काय बोल रे सर? तुमचा बरोबर जूता किसने पूछा? जूता शॉपिंग भाई ने पूछा, मैंने पूछा, मैंने पूछा ना तो मेरे को ही बोलोगे ना? मैंने आपको नहीं बोला वो, सुनो जूता किसने पूछा? मैंने पूछा कि उसने पूछा? मैंने पूछा ना तो आप मेरे को ही बोलोगे ना? ये शूज त्यांनी विचारलं तर त्यांना बोलतो तुम्हाला हार घालायचे कशाला विकत ठेवले? अभी तो पूरा चेंज हो गया भाई, ऐसा चेंज हो गया देख रहे बोलायची पद्धत नाही तुमची। आम्ही काय तुम्ही पैसे नव्हते घेणार, फुकटणार होते का? सिंपल आहे तुमको पता है क्या हुआ है, तुमको भी पता है क्या हुआ है। मी काय बोलतो तुम्हाला, आपल्याला बोलायचं संभाषण घ्यायचं, आपण एक काम करू, कॅबिन आहे तमाशा इथं झाला ना, मेरे को बोलायचं तुम्ही बूट तिथे अरे भाई बोला, तुम्ही बोललात बोला। एज अ कस्टमर आया हूँ मैं, मेरे को कोई चीज खरीदनी है, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, बट आप कैसा भेज रहे हो आप ही सोच लो। मैं सॉरी, मेरे को सॉरी आपसे नहीं चाहिए ना, उससे मेरे को सॉरी। उधर मस्त बैठ के डायलॉग मारा, अभी आ क्यों नहीं रहे सामने? जब से वहां बैठ के डायलॉग मारा अकड़ में, किसके साथ झगड़ा हो गया है क्या है मेरे को नहीं पता, उसका भसड़ मेरे पे निकाला है। जब बैठ के यहाँ बोला तो सामने आके बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं बोल रहा कि मैंने बोला है कोई? अगर नहीं बोला तो खड़ा होकर क्या बोल रहा हूँ? एग्री कर लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एग्री कर लो ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एग्री करो। मैं ये नहीं चाहता, आप डिफेंड मत करो, अगर आपकी नहीं आप सॉरी क्यों बोलोगे? डिफेंड नहीं करता, जिसने गलती करी उसको छोड़ दो, बच्चा गलती करता है आप सॉरी बोलते ही है ना? आप क्यों सॉरी बोले? अगर बच्चा गलती करता नहीं होता है दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। आपको बताया मैं आपसे आगे छह से मैं बुकिंग करके गया, आपको मेरे को सॉरी नहीं चाहिए रशीद भाई, पूरा शोरूम डिफेंड कर रहा है उस बंदे को, वो बात नहीं करना, डिफेंड नहीं करना, गलती है तो है बस। आईने ले यार, सारे झमेले के बाद गाड़ी अपनी रेडी हो गई उधर डिलीवरी के लिए, अंदर अपने भाई लोग वेट कर रहे हैं, अपन जरा इधर शूट वूट कर रहे हैं रील वील, और गाड़ी लेके निकलेंगे भाई। कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, बट बहुत बुरा लगा रहे भाई, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ठीक है। अपनी गाड़ी आ रही मेरे को ये देख के सुकून है रे भाई, बाकी सब भाड़ में रहे, अपनी जान है जान आ रही, और अंदर सब वेट कर रहे हैं अपना, जरा शूट वूट होते गाड़ी लेके निकलते। आ गई अपनी जीटी, क्या बात है भाई, मिस्टर क्लीन बवाल भाई बवाल भाई। अपने भाई सबसे पहले तो चार्ली भाई को बिग थैंक यू भाई, और अपने मितेश भाई को, इनके बगैर ये गाड़ी पॉसिबल नहीं थी भाई, ये गाड़ी ये शोरूम वालों ने मेरे को अटका के रखा था, और आज भी अटका दिए थे बट कोई नहीं, फाइनली अपनी गाड़ी आ गई, अपने को वही सुकून है रे भाई, बट इन दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं था भाई। तीन दिन चार दिन, चार दिन, चार दिन में गाड़ी नंबर वंबर सब सब अरेंज कर दिया भाई, नंबर आ गया,
नंबर गाइस कैसा हुआ, नंबर की कहानी बताएंगे तुमको जब गाड़ी चला रहा रहूंगा, जब हैवी कहानी है। बट भाई ने चार दिन में मेरे को किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आया गाड़ी लिया वैसा अरेंजमेंट किया है। देखो यार मिस्टर क्लीन,